बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ जी आज का भी लोग करते हैं शुरू। तो जिसको इन्हें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक कर दें। तो आज का भी लोग कुछ इस तरह का, यार आज जुमे का दिन था, आप सब भाइयों को सबसे पहले जुमा मुबारक। मैं जुमा पढ़ के सो गया था आगे, तो भाई आसिफ का फ़ोन आया था मुझे कि यार आज ना हमने भाई वाल जाना डीजल उतारने, क्योंकि मैं अभी गाड़ी में बैठा ना। तो मैं पहले भाई आसिफ के घर गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो एजेंसी पे, मैं एजेंसी पे फिर गया हूँ। वहाँ पे भाई आसिफ ने मुझे कहा कि यार गाड़ी में बैठो, चल जाएंगे। भाई आसिफ पीछे नहाने गए थे क्योंकि यार डीज़ल लोड करते वक्त ना थोड़ा डीज़ल वगैरह उनके हाथ पे चला गया था। ये कमीज़ उतारा है भाई आसिफ अभी आदमी धो के ना। तो अभी हमने जाना है भाई हाल, क्योंकि यार वहाँ की जगह जो है ना माशाल्लाह बहुत प्यारी है और वहाँ व्लॉग बनाने का बहुत ही मज़ा आता है। तो मैंने कहा यार चलो चलते हैं और व्लॉग भी बनाते हैं, क्योंकि आज मौसम भी बहुत ही प्यारा है। और अगर इस तरह का मौसम होना, मैंने पहले भी बताया कि कहीं भी कहें ना कि यार जाना है तो मैं चला जाऊंगा, क्योंकि ठंडा मौसम मुझे बहुत ही पसंद है, इन्जॉयमेंट का मौसम होता है। तो अभी हम जाने लगे हैं और मैंने अभी तक चाय भी नहीं पी, क्योंकि असर का टाइम हो रहा है और मैंने कहा था कि यार मैंने चाय पीनी है। तो आसिफ भाई ने बोला है कि यार अभी देर हो रही है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, उनका फ़ोन आया है कि उन्होंने डीजल लेना है। तो अभी हम जा रहे हैं, रास्ते में कोई भी होटल आया ना भाई, होटल जो आया ना होटल तो चाह पीनी लाजमी। नहीं नहीं नहीं, वापसी तो नहीं पीनी, क्योंकि मैं चाह नहीं पी गया भाई। अभी कह रहे हैं वापसी पे पीनी, क्योंकि देर बहुत हो गई है, लेकिन वापसी पे नहीं यार। मैं जब चाय नहीं पीता सुबह उठ के और असर के टाइम, तो मेरा दिमाग ऑटोमेटिक खराब हो जाता है, क्योंकि सर की जो दर्द है ना वो ज़्यादा हो जाती है। दो टाइम ही मैंने चाय पीनी होती है, अगर वो भी ना मिले तो मज़ा नहीं आता। ये पहले हम मोटरसाइकिल से आपको बाहर का व्यू दिखाते थे, आज गाड़ी पे हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल से ये हमारा गांव है, गाँव को छोड़ के अभी जा रहे हैं। ये प्लाजा है जो आपको दिखाते हैं बार बार, वो ग्राउंड में अभी क्योंकि टाइम हो गया असर का, तो इस टाइम ग्राउंड में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं सारे लड़के। आसिफ भाई ने कंघा जो है ना वो गाड़ी के अंदर ही रखा हुआ है, क्योंकि कभी भी यार ना गाड़ी में ज़रूरत पड़ सकती है। तो अभी आत्मू घर तो है और कंगा जो इधर ही कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो अभी हम पहुँचे हैं जलियांवाला, जो हमारे कसरों का गांव है ना। तो बहुत दिन हो गए थे मैं इधर आया था, आज खुदा कुदरत से वैसे ही हम जा रहे थे इस साइड पे, उधर से गुजर हो रहा है हमारा ये पीछे जो है ये टोटली ना साइड पे बांस वगैरह लगाए हुए हैं, ये हर साल काटते हैं लेकिन फिर बड़े हो जाते हैं। उधर से बहुत रात को ना गुजरने में बड़ा खौफ आता है, क्योंकि यार देखे दोनों साइड पे रोड पे ना बांस ले। अभी भाई ने स्टे किया फाइनली यहाँ से, मेरे कोई शह नहीं है सोने, पैसे दे मैं खाली आया अज, यकीन कर। अच्छा पैसे ले आ रहे, तो भाई कह रहे थे पैसे आपके पास, मैं तो सो रहा था वैसे ही आया हूँ। अभी हमने स्टे किया इसी दुकान पे जलिया वाली पे, यहाँ से सामान लेना है, क्योंकि चाय का मूड तो भाई ने बनाया है कि नहीं बनाया, लेकिन जो चीज़ें लेनी है वो तो बोतल केड़ी लेनी है, हैं बोतल केड़ी लेनी है जेड़ी मर्जी फाड़ ला यार। कोक की बोतल दे दे यार, स्ट्राइक कोक की बोतल दे दो लीटर वाली। यार इंजी करना गल सुनना, हाफ लीटर बोतल दे दे, गुब्बी केपल दे दे हाफ लीटर, और उस तो बाद इसम गोला छिलका के दे दे भाई, छिलका कोई नहीं बोतल ही उस्ताद जी, एक बोतल ले लिया ते 20 रुपए सिगरेट कैप्टन दे दे। छिलका थोड़े को नहीं पिया? क्यों साढ़े पिंड तो दला थोड़े वेख रहे यार। अच्छा चल जाने फिर, मैं तो डेली खाना यार, तो फ्रिज भी चला लिया करो, कौन नहीं बिल तो आते ही ने सारे काम चलिया लेने पुट्ठे ही ने बकाया देता। तो ये अभी बोतल ली है छोटी सी,
और भाई आसिफ ने छिलका लेना था। और इनते खोल लाग नू, एक मिनट रुकी, एक मिनट रुकी, एक मिनट रुकी। ये हाफ लीटर पी के पल मैंने ले ली थी, पहले मूड था यार लीटर की कोक जो है ना वो ले लो, लेकिन इतनी यार बोतल ना भाई पीते हैं ना मैं पीता हूँ। मेरा मूड था पहले चाय का, तो भाई आसिफ ने कहा कि यार चाय पे लेट हो जानी है, ऐसा करें आप बोतल ले लें और छिलका लेना था भाई ने, क्योंकि मैदे का मसला है ना तो वो मिला नहीं है। तो अभी जा रहे हैं और इंजॉय करते हैं थोड़ा सा। अभी आधे रास्ते पहुंच गए हैं, ये इस साइड पे सरगुदा को जाता है रास्ता, और ये आमदा नगर वाला रोड है हमारे इलाके का, उस साइड पे जाता है। आधा जो रास्ता है हमने तय कर लिया, आगे आना है कांडीवाल, कांडीवाल से हमने आगे जाना है भाईवाल, वहाँ पर डीजल उतारना है। और यार मौसम आज ऐसी है कि मौसम भी माशाल्लाह बहुत गहरा बना हुआ है, मज़ा आ रहा है जो है ना लोग बनाने का भी मज़ा आ रहा है और सफ़र करने का भी जो है ना मज़ा आ रहा है। हरियाली हरियाली हर तरफ छाई हुई है, तो चेक करें मौसम। ये हमारे आगे एक शाज और डाला जो है ना वो जा रहा है, इसने जानवर लोड किया हुआ, तो मैं कब से देख रहा हूँ यार जंप वगैरह ये भाई नहीं देख रहा है, तो उसको यार तकलीफ़ हो रही है क्योंकि वो खड़ा हुआ जब जंप लगता है ना तो वो गिरने लगता है। तो भाई एहतियात से यार चलाया करें यार, जानवर हैं वो मुँह से बोल तो नहीं सकते लेकिन चोट उनको भी लगती है, दर्द उनको भी होता है, तो मेहरबानी किया करें यार एहतियात से जो है ना वो ले के जाया करें गाड़ी को। भाई आसिफ कह रहे हैं यार मुझे लग रहा है ऐसे कि इधर ना बारिश हुई है, लेकिन मैं कहता हूँ गलियों को पानी है, लेकिन नहीं यार वाकई ना ये जगह है ना ये गीली गीली पड़ी है सारी, ये पानी भी खड़ा हुआ है, तो अगर वो नालियों का पानी होता ना तो रोड पे आना था, लेकिन सारी जगह पर नहीं आना था। तो वाकई यार हमारे इलाके में बारिश नहीं हुई है, इस साइड पर मेरे ख्याल में ही चेक करें बारिश हुई है, कि मौसम जो है ना वो बहुत ही मज़े का बना हुआ है, बहुत ठंडा और बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ है, बारिश वाकई हुई है वजह से। अभी हम कांडीवाल जो है ना उधर आके रुके हैं, हमने स्टे किया है, ये रुके हुए हैं। अभी मैं गाड़ी में बैठा हूँ, भाई आसिफ को वाशरूम आ गया था तो यहाँ वो वाशरूम करने गए हैं, बाथरूम वगैरह बने हुए हैं ना तो उधर गए हैं। अभी होटल जो है ना ये पड़ी थी क्योंकि भाई आसिफ ने पी नहीं है, मैंने कहा था ना कि उन्होंने पीनी है, तो ये आधी मैंने ख़त्म कर दी है और रास्ता भी लंबा है ज़्यादा, तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में ये भी मैंने ही ख़त्म करनी है, क्योंकि भाई आसिफ जो है ना इतनी शौक से वो बोतल वगैरह नहीं पीते। ये भी उन्होंने मेरे लिए ली थी क्योंकि मैंने कहा था कि यार मैंने चाय पीनी है, उन्होंने कहा यार टाइम नहीं है, क्योंकि मैंने सफ़र हमारा जो है ना ये बहुत ज़्यादा लंबा है, तो इसी वजह से ना रात को वापसी होनी है हमारी मगरिब के टाइम, तो उन्होंने कहा था यार आप ऐसा करें कि ये बोतल ले लें, बोतल पी लें, चाय अगर वापसी पर टाइम मिला ना इंशाल्लाह वापसी पर आपको चाय पिलाऊँ। ये भी रुके हैं भाई आसिफ, वो एक दोस्त था ना उसने रोक लिया, उससे मिलने गए हैं क्योंकि इनकी भी ये है एजेंसी डीजल वाली, तो इसको डीजल वगैरह देते हैं, तो अभी इधर रुके हैं, कोई काम था शायद इसलिए मेरे ख्याल स्टे किया है। सामने छोटी छोटी मस्जिद जो है बनाई हुई है, छोटे छोटे यहाँ ना इलाके हैं, छोटे छोटे गाँव हैं, और ये दुकानें वगैरह भी साथ उन्होंने बनाई है, चाय वाला होटल भी। यार साडा चैनल तो सबसक्राइब कर दे उस्ताद जी, तुसी वीडियो चाह रहे तू वेखो ना एक मिनट, ये भाई चाय बना रहे, तो मैंने कहा यार हमारा चैनल बना हुआ है यूट्यूब चैनल तो वो सब्सक्राइब कर दे। माशाल्लाह हरियाली हरियाली, ये ना मुंजी लगाई हुई है इन्होंने, क्योंकि आपको पता है जैसे नेक्स्ट सीज़न जो आ रहा है ना वो मुंजी का है चावलों का, तो ये सामने देखें कितनी जहाँ तक नज़र आ रही है ना सारी मुंजी मुंजी लगी है, और सूरज जो है ग़ुरूब होने का टाइम आ गया, अभी हमने यहाँ स्टे किया रुके हैं और असा इतने रोक दें नहीं है मुझे नहीं पता, हमें यहाँ खड़े हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए लेकिन अभी तक उनकी कॉल नहीं आई, क्योंकि उन्होंने बोला कि यार जब हम फ़ोन करें ना आपको तब आपने भाई आना है, तो मैंने कहा ठीक है आसिफ भाई बाहर निकल लिए, उन्होंने कहा यार मैं थक गया हूँ गाड़ी में बैठ बैठ के, मैंने कहा यार मैंने बाहर को नहीं है ना क्योंकि बाहर बैठना कहाँ है जगह तो है नहीं, तो अभी देखें मौसम जो है ना वो सूरज जो है वो बादलों के पीछे चला गया, तो
क्योंकि टाइम भी उसका हो गया ग़रूब होने का, क्योंकि मगरिब का टाइम शुरू होने वाला है। तो देखते हैं अभी तक भाई फ़ोन करते हैं या नहीं करते, क्योंकि यार रात को इस रोड पे बड़ा मसला होता है, क्योंकि ये जो रोड है ना, ये रोड थोड़ा सा ख़राब है, इधर से थोड़ा सा ठीक है, आगे ख़राब है सारा रोड। ये रोड भाई यहाँ से शाल मोड़ जाता है, इंटरचेंज को लगता है, शाल मोड़ इंटरचेंज है मोटरवे वाली, तो उधर जाता है ये रोड। लेकिन देखें इंटरचेंज को रोड लगता है और इतना ख़राब रोड है, तो इसी वजह से रात को मसला बनना है, क्योंकि पैसे भी पास होते हैं, जहाँ डीजल उतारना है पैसे लेके आने होते हैं ना, तो इसी वजह से रात को यहाँ पे मसला बनता है बहुत ज़्यादा ही। तो अभी मैं बाहर निकला हूँ यार, बहुत थक गया था मैं अभी, तो मैंने सोचा यार बाहर आ जाए, क्योंकि बार बार आप कह रहे होंगे यार मौसम 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 कर रहा है, और वाकई यार आज यकीन करें बहुत दिनों के बाद जो है ना मौसम बहुत ही प्यारा बन गया ये देखें। और मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसे मौसम जो है ना मुझे बहुत पसंद है। मैं सर्दियों में लोग कहते हैं कि यार धूप निकले, मैं दुआएं करता हूँ कि यार ऐसे ही मौसम बना दे। ये सारा ही टोटली इलाका जो है ना आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें, बहुत ही प्यारा मंजर है इधर यार, मज़ा आ रहा है आज यकीन करें। ये देखिए तो अभी बाहर का है ना फुल मोल है, ये बस ला रहे थे, बस वाले कह रहे थे यार वो भी हाथ ला रहे थे कि पता नहीं बंदा क्या कर रहा है। अभी मगरिब की अज़ान नहीं है, तो फाइनली हम अभी तक पहुंच गए हैं। उधर भी लोग इसलिए नहीं यार बनाया था कि यार वीडियोस लंबी हो जानी थी, और फ़ोन का आ गया था, तो अभी इधर हम पहुंचे हैं, ये सामने एजेंसी इनकी, इधर आ रहे हैं डीजल, अभी इधर पहुँच गया। ये फ़ोन में अभी तक लगे हुए हैं, क्योंकि इसको और कोई काम नहीं, जब भी देखे ना फ़ोन फ़ोन फ़ोन। और यह रोड इधर भी मेरे ख्याल कंप्लीट हो रहा है अभी, और इधर रोड बनना पीछे चल कर माशाल्लाह। ये गांव है छोटा सा एक, और बहुत ही मज़े का गांव है यार, ऐसे जो गांव होते हैं ना साइड में, ये दरिया के थोड़ा सा नज़दीक ही है। हमारे गांव में पंजाबी में इसको कद्दी बोलते हैं, दरिया का जो है ना इलाका उसको कद्दी बोलते हैं। तो अभी इधर आए हैं, और अभी हमने वापस जाना है। ये अभी बाइक एजेंसी के अंदर आके बैठा हूँ, सात दुकान जो है ना इन्होंने वो ना जो कहते हैं अद्वियात जो होती है ना ज़मीनों में लगाने के लिए यार, खादे वगैरह ये वो, ये सात दुकान है इन्होंने रखी है। तो मैंने अक्सर देखा है यार जो भी गांव के इलाका है उसमें जो एजेंसी बनी हुई है ना उसके साथ इन्होंने अद्वियात वाली दुकान बनाई हुई है, क्योंकि भाई प्रॉफिट ही उसमें है, असल काम ही वही है। जो अद्वियात लेने आता है वो डीजल भी लेके जाता है, और जो डीजल लेने आता है वो अद्वियात भी साथ उसके लेके चला जाता है। चेक करें अभी तक इसको कोई काम नहीं, वो डीजल उतार भी रहा है ना तो फ़ोन कान के साथ लगा हुआ। एक दफ़ा पता क्या हुआ, मज़े की बात बताऊँ, ये डीजल लोड कर रहा था रात का टाइम, तो इसने लाइट जो है ना जलाई हुई थी कि डीजल चेक करूँ कितना हो गया, तो फ़ोन कुदरती का बात है फ़ोन जो है ना टैंकी में गिर गया, तो सारा डीजल था उसके अंदर, 1000 लीटर डीजल था उसके अंदर चला गया। फिर खाली करके आए थे, फिर डीजल मोबाइल निकाला उसके अंदर से, तो वो बेकार हो गया था मोबाइल, तकरीबन सारे टोटली फारग हो गए थे। वो न्यू मोबाइल अब लिया है, अभी तक इसको सबक नहीं आया कि यार मैंने डीजल उतार रहा हूँ मोबाइल जो जेब में डाल रहा हूँ, लेकिन ना तोबा करें, फ़ोन तो सुनना है लाजमी भाई। सो फाइनली जो डीजल है ना वो अभी खाली हो गया, पैम्प जो भाई हैं वो ऊपर रख रहे हैं, क्योंकि टैंकी वगैरह जो है ना ऊपर रखी है, ढक्कन खोला हुआ है इसके अंदर, ये आगे वाला जो खाना है ना इतना है, इसके अंदर 1000 लीटर आता है, पीछे वाला खाना पड़ा है इसके अंदर 2000 लीटर डीजल आता है। तो भाई ने जो टायर खराब था टायर न्यू डलवाया है, और माशाल्लाह स्टपनी भी जो है ना बाइक के पास अच्छी है, तो मज़ा आता है जब यार पता है कि गाड़ी अगर अच्छी हो ना, मशीनरी जो है ना वो टायर अच्छे हों, इंजन वगैरह अच्छा हो, तो मज़ा आता है सफ़र करने का। अगर टायर ख़राब हो तो डर लगा रहता है कि यार रास्ते में कहीं टायर वगैरह पंचर ना हो जाए, तो इसी वजह से ना भाई ने टायर न्यू डलवाए हैं और स्टपनी भी अच्छी रखी हुई। तो अभी सारे काम कंप्लीट हो गए हैं यार, व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है मुझे पता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला व्लॉग ख़त्म होगा, लेकिन मैंने कहा यार थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें एजेंसी के बारे में। तो अभी ये चेक करें, रात होगी बहुत ज़्यादा, बल्ब वगैरह बल्ले शुरू, मगरिब की अजान भी हो गई है, तो अभी फाइनली व्लॉग ख़त्म होता है। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बार बार कह रहा हूँ चैनल को मोनेटाइज करवाएं यार, व्लॉग बना रहा हूँ डेली बेसिस पर। तो बाय बाय।